हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैनन EOS 5D Mark IV के बेसिक वीडियो सेटिंग्स के बारे में। ऑटो फोकस कैसे ट्रैकिंग होता है, ऑटो फोकस मेथड क्या है, इसमें क्या ऑटो फोकस काम करता है, तो ये जो इसमें जो ऑटो फोकस कैसे ट्रैकिंग होता है वो हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं इसमें आप कैसे वीडियो ऑन करेंगे। जहाँ देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप लिखा हुआ, वहाँ दो आइकन है, स्टिल का और वीडियो का। वीडियो में आके आपको स्टार्ट प्रेस कर देना है, इससे आपको वीडियो ऑन होता है, और स्टॉप प्रेस करने से ऑफ होता है। तो पहले देखिए, हम स्टार्ट कर दिए, एक बार हम उसको ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद देखिए क्यू प्रेस करने से, इसको क्विक एक्सेस बटन बोलते हैं, उसको प्रेस करने से आपके पास बहुत सारा सेटिंग्स आ जाएगा जो आप लाइव व्यू मोड में आप सेटिंग्स कर सकते हैं। जो ये तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन के बारे में ही जानेंगे। ये जो तीन ट्रैकिंग सिस्टम है ऑटो फोकस का, ये तीन ऑटो फोकस ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में आज जान लेते हैं। उससे पहले आपको मेन्यू में आना पड़ेगा। मेन्यू में आकर आपको एक जो सेटिंग्स है मेन्यू में, उसमें आपको आके इनेबल करना पड़ेगा, जो है मूवी सर्वो ऑटो फोकस। उस ऑप्शन में जाके आपको इनेबल करना पड़ेगा। अगर डिसेबल है तो इनेबल कर दीजिए। इससे क्या होता है, आपको मूवी में ये कंटिन्यूस ऑटो फोकस ट्रैक करेगा। तो ये जस्ट आपको यही ऑटो फोकस मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे, जो है ऊपर, सबसे ऊपर है फेस ट्रैकिंग है, उसके बाद फ्लेक्सी जोन मल्टी है और फ्लेक्सी जोन सिंगल है। तो ये तीन सिस्टम है, तीन सिस्टम के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लेंगे इस वीडियो में किस कैसे काम करते हैं। तो पहला सिस्टम जान लेते हैं, फ्लेक्सी जोन ऑटो फोकस सिंगल। तो इसमें जो है आप बाय ड्रैगिंग, जब आपको वीडियो आना है, बाय ड्रैगिंग आप अपने सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। आप जिसको चाहे फोकस कर सकते हैं। सपोज आपका कोई सब्जेक्ट आगे और पीछे, तो अगर पीछे वाले सब्जेक्ट को फोकस करना चाहे वो कर सकते हैं, आगे वाले सब्जेक्ट को फोकस करना चाहे वो बाय ड्रैगिंग आप उसको फोकस कर सकते हैं। ये बहुत इजीली ट्रैक करता है। उसके बाद फ्लेक्सी जोन मल्टी ऑटो फोकस का काम ये होता है, जैसे ये पूरा एरिया में 80% हॉरिजेंटल 100% वर्टिकल ऑटो फोकस काम करता है। इसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है, तो इसमें जो ट्रैकिंग है 80% और 100% काम करेगा। तो जो सामने सब्जेक्ट मिलेगा उस सब्जेक्ट को ये फोकस करके रखेगा। उसके बाद आते हैं फेस ट्रैकिंग, फेस प्लस ये ट्रैकिंग लिखा हुआ है। तो इसमें पर्टिकुलर कोई भी फेस में ही हम ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कोई एक सब्जेक्ट है हमारा, मैंने कोई फेस है, उसमें अगर हम उसको जस्ट मार्क कर दिए कि ये मेरा फेस है, तो उसको ही सब्जेक्ट को ही ट्रैक करें, मतलब उसी फेस को ट्रैक करें। अगर हम मूव भी करेंगे तो ट्रैक करें। चलिए हम ऑन करते हैं और उसको रख देते हैं, तो हम मूव करेंगे भी तो ये ट्रैक कर रहा है। तो बहुत ही इजी ऑप्शन है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।